जिस वक्त कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो ये षट चक्रों को छेदती हुई ब्रह्मरंध्र को छेदती है और सर में से ठंडी ठंडी हवा, आपके अपने सर में से ठंडी ठंडी हवा, जिसको श्री शंकराचार्य ने सलीलम सलीलम ठंडी ठंडी हवा कहा। जितने भी धर्मों के आप पुस्तक पढ़िए, जितने भी धर्म हो गए, सब धर्मों में इसका वर्णन है कि आपका फिर से जन्म होना चाहिए। ब्राह्मण को भी द्विज कहा गया है, माने जिसका फिर से जन्म हुआ, माने कोई झूठ मूठ का जन्म नहीं होता है, असलियत का जन्म, माने ये कि आपका ब्रह्मरंध्र छेद करके कुंडलिनी का जब जागरण होता है तो आपका दूसरा जन्म होता है कि आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। लोग हैं पैसे के लिए दौड़ते, क्या परमात्मा को पैसा वैसा कुछ समझ में आता है क्या? हम देहातों में जाते हैं, लोग हमें 10 पैसे देंगे, 25 पैसे देंगे, हमने कहा भाई हम पैसा नहीं लेते, अच्छा 1 रुपया ले लो। उनकी समझ में नहीं आता है कि परमात्मा का पैसे से कोई संबंध नहीं है। आप पृथ्वी माता को अगर पैसा दे तो तब क्या वो बीज उगाती है? वो तो अपने स्वभाव से ही उस कार्य को करती है, उसका कोई लेना देना बनता नहीं, ये उसका स्वभाव। जिस कुंडलिनी के बारे में एक भाषण में तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन ये आपकी शुद्ध इच्छा है। आपकी बाकी की जितनी भी इच्छाएं हैं वो अशुद्ध हैं, क्योंकि आज इच्छा हुई कि हमारे पास ज़मीन नहीं, फिर इच्छा हुई कि हमारे पास घर नहीं। कोई भी इच्छा पूर्ति होने से इच्छाएं पूर्ण नहीं हो जाती, दूसरी चाहती, तीसरी चाहती, चौथी चाहती। ये तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का बड़ा भारी सिद्धांत है कि पूरी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। तो वो कौन सी चीज़ है जिसको प्राप्त करने से फिर कोई इच्छा ही नहीं रह जाती? वही शक्ति जिसे कि शुद्ध इच्छा कहना चाहिए। ये शुद्ध इच्छा हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में व्यवस्थित रूप से परमात्मा ने रखी हुई है, और ये शक्ति शुद्ध इच्छा की जब जागृत हो जाती है और जब योग घटित होता है तो अब लेने का क्या है, पाने का क्या है, अब देने का किया था। जब संसार में रह करके ही परमात्मा को पाना है, इससे भागने वाले कभी परमात्मा को नहीं पा सकते। भगेड़ू लोगों को क्या मिल सकती है शक्ति? अगर शक्ति होती तो भागते क्यों? इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आपको छोड़ना है, लेकिन जो चीज़ अपने चेतना के विरोध में बैठती है वो अपने आप छूट जाएगी, मैं बताऊंगी नहीं। बस इस गली में आप आ जाइए, अपने आप से बातें छूट जाएंगी, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, मैं कहूँगी नहीं तो आधे लोग शायद उठ के ही चले जाएं। अपने ही आप काम बन जाएगा, आपके अंदर जब ये टिमटिमाता हुआ दिया आ जाएगा, आप खुद ही देख लेंगे, आप स्वयं शक्तिशाली हो जाएंगे और आप स्वयं अपने गुरु हो जाएंगे और आप जान जाइएगा कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि आपके हाथों से ही चैतन्य बहना शुरू होगा। ये जो सर्वव्यापी चैतन्य शक्ति है जिससे सारे जीवंत कार्य संसार में होते हैं, वो पहली मर्तबा वो सूक्ष्म शक्ति आपके हाथ में लगेगी और आप आश्चर्यचकित होंगे कि माँ ये क्या शक्ति है। अब बस इतना बताना है कि अगर इस उंगली में जलन हुई या इस उंगली में ठंडक आई या इस उंगली में कुछ हुआ तो ये कौन से चक्र है। इस तरह से 5, 6 और 7 चक्र हमारे अंदर जो हैं वो इस हाथ में और इस हाथ में, इधर भावना और इच्छाएँ और इधर शरीर और बुद्धि, जिसको कि हम कहते हैं कि कार्य शक्ति। तो इधर जो है इच्छा शक्ति है और इधर कार्य शक्ति है। ये दोनों शक्तियाँ के बीच में जो शक्ति है वो धर्म शक्ति है। इसका ये मतलब नहीं धर्म शक्ति का कि आप ढकोसलेबाजी करें। धर्म जो है वो हमारे अंदर का पूरा बैठा हुआ एक मानव का स्वरूप है। जैसे कि कार्बन के अंदर 4 वैलेंसी होती है, ऐसे मनुष्य के अंदर 10 है। ये 10 धर्म कर मनुष्य के अंदर नहीं हो तो मानव नहीं है, और इससे संतुलन आ जाता है। और संतुलन इसलिए ज़रूरी होता है कि जब किसी चीज़ की उड़ान करनी होती है तो उसमें अगर संतुलन नहीं रहे तो वो चीज़ उड़ ही नहीं सकती।
कायदे से चढ़ नहीं सकती। इसलिए धर्म की लोगों ने व्यवस्था की, बड़े बड़े सत्पुरुषों ने, कि धर्म मनुष्य अपने अंदर जागरूक करे, धर्म में बैठा रहा, और जब उसके अंदर धर्म जागृत होगा तब उसकी कुंडलिनी बहुत ही आसानी से चढ़ जाएगी। प्रेम यही आत्मा का स्वरूप है, उसका प्रकाश सत्य है, लेकिन प्रेम परमात्मा ने किया, इसीलिए सारी सृष्टि रची और आपको बनाया, और उसी प्रेम में ही उसने आपका सत्कार किया हुआ है, आपको आवाहन किया है कि आप उनके दरबार में पधारें और व्यवस्थित रूप से अपने कृपालु पिता का जो कुछ आशीर्वाद है उसका पूरी तरह से उपभोग लें। आपको किसी तरह से दुख ताड़ना देने का उनका कभी भी विचार नहीं था, और ना वो कभी देते हैं। जो देती है तकलीफ़, वो हमारे ही बनाए हुए घरोंदे और हमारे ही बनाए हुए जेल, हमारे ही दिमागी जमाखर्च से इंसान ने जो घरोंदे बनाए हैं उसी का दुख हम उठाते हैं। परमात्मा ने तो सारी सृष्टि जैसे पक्षियों के लिए गाने के लिए बनाई है, ऐसे आपके लिए भी आनंद की बनाई, उस आनंद की स्थिति में आपको जाना है।